अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट ऑफ लास्ट सरमन ऑफ़ द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराग्राफ नंबर 8, पैराग्राफ नंबर 9, पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 11 एंड पैराग्राफ नंबर 12। आज हम ये 5 पैराग्राफ्स इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पैराग्राफ नंबर 8, यूनिट नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, ओ पीपल, अल्लाह द माइटी एंड एग्जॉल्टेड एज ऑर्डिनेट टू एवरी वन इन हिज ड्यू शेयर ऑफ इनहेरिटेंस। नंबर 9, ऑल डेट्स मस्ट बी रीपेड, ऑल बारोड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न्ड, गिफ्ट्स शुड बी रेसिप्रोकेटेड एंड अश्योरिटी मस्ट मेक गुड द लॉस टू द अश्योर्ड। पैराग्राफ नंबर 10, बीवेयर, No one committing a crime is responsible for it but himself. Neither the child is responsible for the crime of his father, nor is the father responsible for the crime of his child. Paragraph number 11. Nothing of his brother is lawful for a Muslim except what he himself gives willingly. So do not wrong yourselves. Number 12. O people, every Muslim is the brother of every other Muslim, and all the Muslims form one brotherhood. And your slaves, see that you feed them with such food as you eat yourselves, and clothe them with the clothes that you yourselves wear. तो डियर स्टूडेंट जी, हमारे 5 पैराग्राफ्स थे, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम इसकी ट्रांसलेशन विद सेंटेंस बाय सेंटेंस एंड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 8, ओ पीपल, अल्लाह द माइटी एंड exalted as ordained to everyone in his due share of inheritance. اے لوگو، اللہ جو غالب اور عظمت والا ہے، جیسا کہ ہر ایک کا اس کی وراثت سے حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وراثت کی بات ہوئی ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، وہی غالب اور عظمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ Number 9, all debts must be repaid, all borrowed property must be returned, gifts should be reciprocated, and a surety must make good the loss to the assured. तमाम कर्ज़ों की वापसी लाजमी है, यानी ज़रूर कर्ज़े वापस करने मुआफ़ी नहीं है। तमाम उधार जायदादें वापस करना लाजिम है, जो भी किसी ने अगर उधार ली हुई है चीज़, जायदाद, कुछ भी, वो वापस करना लाजिम है। हाँ, एक चीज़ है, वो है तहाइफ़ का तबादला होना चाहिए, यानी रेसिप्रोकेट का मतलब है कि अगर आपको एक दोस्त कोई गिफ्ट करता है तो आप उसे गिफ्ट करें। ठीक है, दूसरी बात, और ज़मानत की ज़मानत को यकीनी बनाने के लिए, यकीन दहानी कराने के लिए वालों को अच्छा नुकसान पहुँचाना चाहिए। यानी इससे मतलब ये है कि अगर एक शख्स कोई सिक्योरिटी दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है, तो उसके साथ सख्ती से सलूक किया जाए। नंबर 10, बीवेयर, नो वन कमिटिंग अ क्राइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट हिमसेल्फ। Neither the child is responsible for the crime of his father, nor is the father responsible for the crime of his child. खबरदार, हर कोई अपने जुर्म यानी गुनाह का खुद जिम्मेदार है। ठीक है, ना ही बेटा अपने वालिद के गुनाह यानी जुर्म का जिम्मेदार है, और ना ही वालिद जो है वो अपने बेटे का जुर्म का जिम्मेदार है।
तो ये पैराग्राफ नंबर हमारा 10 हो गया। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 11, नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज लॉफुल फॉर ए मुस्लिम एक्सेप्ट व्हाट ही हिमसेल्फ गिव्स विलिंगली। तो किसी मुसलमान के लिए उसके भाई की कोई भी चीज़ जायज़ नहीं है, कब तक, जब तक वो खुद अपनी मर्ज़ी से ना दे दे, खुशी से ना दे दे, विलिंगली मर्ज़ी से खुशी से ना दे दे। सो डू नॉट रॉन्ग योर सेल्व, तो अपने आप पर जुल्म मत करो, जुल्म ना करो, अपने आप पर जुल्म मत करो। तो डियर स्टूडेंट्स, इन वेरी शॉर्ट टाइम मैंने आपको आज ये 5 पैराग्राफ जो हैं रीड आउट करवा दिए हैं। आपने इनको अच्छे से राइट डाउन करना है, इनको लिखना है, और कोई इसमें ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी, तो इसलिए मैंने इनको आज बड़े जल्दी जल्दी से 5 पैराग्राफ्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सॉरी, पैराग्राफ नंबर 12 अभी रहता था, चलें इसको कर लेते हैं। ओ पीपल, एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम एंड ऑल द मुस्लिम्स फॉर्म वन ब्रदरहुड एंड योर स्लेव्स सी दैट यू फीड दैम विद सच फूड एज यू ईट योर सेल्व्स एंड द क्लॉथ दैम विद द क्लॉथिज दैट यू योर सेल्व्स वेयर। ए लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान एक भाईचारे की तश्कील करते हैं। देखो कि अपने ग़ुलामों को वही खिलाओ जो आप खुद खाते हो और उन्हें वही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के 5 पैराग्राफ्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आए गए होंगे। आपने इनको राइट डाउन करना है और इनको अच्छे से लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।